अपमान हुआ है महामहिम राष्ट्रपति जी के साथ। देश की जनता इसको बदला लेगी इस 2024 चुनाव में, और इस राज्य की जनता से भी मैं अपील करता हूँ, इससे ज्यादा अपमान और कितना सहोगे? महामहिम राष्ट्रपति जी के साथ अपमान, देश के आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ अपमान। भारतीय जनता पार्टी में जो आदिवासी नेता लोग हैं, इसको देख करके उनको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जो नेता जो चमचागिरी करता है भारतीय जनता पार्टी, पेड वर्कर लोग है भारतीय जनता पार्टी का नेता, पेड वर्कर है, बोलना चाहेंगे इसमें, जहां बहस करना कहे, इससे ज्यादा और दूरबीन क्या देखोगे? बाबूलाल मरांडी जी को और दिखाना चाहिए, ठीक है, बोल रहा था कुतुब मीनार से देखेंगे बोल करके, वो अब इसको देख के तो देखना चाहिए उसको। बड़ा मुद्दा है, इससे ज्यादा मुद्दा और क्या होगा? वरना गिरवा देखे हो उनके साथ कौन कौन क्या है, भानु प्रताप शाही नहीं है क्या, कमलेश वगैरह लोग नहीं है क्या, देख ले अपने को, हम लोग रहे हैं उसके साथ में, वो अपने को ये ना समझे, पूरा बोले ना, हम तो पहले ही बात को कितना आप लोगों को बोल चुके हैं, जमीन दलालों का सरगना है ये लोग, बात करता है इसके बारे में। हमारे राष्ट्रीय नेताओं को इस पर निर्णय लेना है, हमको लगता है कि इस पर हमको लगता है कि हम अधिकृत नहीं है, मैं तो इसके हमेशा खिलाफ हूँ। सरयू कहाँ से बाहर का, संजय सेठ भी हरियाणा रिपू जी, और तुम उसको लाने चाह रहे हो, यहाँ का कोई मूलवासी लड़े वहाँ पर, मूलवासी लड़े कहाँ, सरयू राय वहाँ लड़ेगा, सरयू राय अपना वहाँ, फिर हम हमेशा आदिवासी मूलवासी की बात करेंगे, मैं कैसे कहूँगा? ये तो बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ तो वो संजय रिपू जी तुम्हारा लड़बे कर रहा है, पलामू से वो दे दिया है हरिजन, अरे कोई यहाँ का घासी चमार को दे देते तो अच्छा होता ना, कम से कम प्रतिनिधि बन के जाता लोकल आदमी, तो बीजेपी का कहते प्रधानमंत्री भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली कुलियातू में भी आए थे, और गौरव सम्मान और गौरव दिवस भी मनाया जा रहा है। देश में राष्ट्रपति महोदया का क्या स्थान होता है आप सभी लोगों को मालूम है। चलिए ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी जी का हो सकता है स्वास्थ्य खराब होगा, वो बैठे रह गए, लेकिन प्रधानमंत्री जी को देखें, वो राष्ट्रपति खड़ी है और बैठे हुए हैं, देश को गौरव और सम्मान का ढोंग रचने वाला सबसे बड़ा देश का जादूगर, इसको नौटंकीबाज भी कहा जाए तो कम नहीं होगा। और इसके साथ साथ कल हमने टीवी अखबार में देखा, बाकी लोग भी बैठे रह गए हैं वहां पर, धनखड़ वगैरह जैसे, देश भर के आदिवासी दलितों का ये अपमान है। और मैं आज इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से देश के नेताओं से भी आग्रह करूंगा, सब लोग को इसका देश भर में निंदा होनी चाहिए, किस तरह से आदिवासी और दलितों के साथ में अपमान किया जाता है। महामहिम राष्ट्रपति के सामने प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं पूरा, ये ढोम और चुनाव के समय और पहले से भी जिस तरह से आदिवासी का अपमान इसी का है कि मणिपुर में हुआ, माननीय प्रधानमंत्री चूंकि वहां आदिवासियों के साथ हुआ वहां गए नहीं। आप देखा होगा यहाँ पर आपका इस तरह से मध्य प्रदेश में आदिवासियों के साथ किया गया, बड़ी बड़ी बात उनके लिए कहा जाता है, लेकिन जहां उनका सम्मान और हक की बात आता है तो नतीजा यही होता है।